दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और इकोनॉमी से जुड़ी दो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल हमारी पहली अपडेट अर्जुन टैंक के नए इंजन को लेकर है, जिसको आखिरकार भारत ने बना लिया और ये टैंक के क्षेत्र में भारत के लिए आत्मनिर्भरता का अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट भारत के टैक्स कलेक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को लेकर है, जिसमें हम नई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मैसूर में मौजूद BEML के इंजन डिवीजन में पहली बार 1500 हॉर्स पावर के नए टैंक इंजन को टेस्ट किया गया। बता दें कि यह इंजन अर्जुन टैंक के लिए विकसित किया जा रहा है, जो आगे जाकर भारत के टैंक फ्लीट का फ्लैगशिप हथियार बन सकता है। भारत ने जिस नए इंजन को टेस्ट किया वह हमारे लिए काफी बड़ी सफलता है। दरअसल ये प्रोजेक्ट अगस्त 2020 में शुरू किया गया था और अब जाकर ये इंजन बनकर तैयार है। बताया जा रहा है कि फिलहाल इस इंजन की टेस्टिंग की जाएगी और अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 के मध्य तक हम इस इंजन को मास प्रोडक्शन के लिए तैयार कर देंगे। 1500 हॉर्स पावर का ये नया स्वदेशी इंजन मिलिट्री प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में भारत की नई उपलब्धि और कामयाबी को दर्शाता है। इस इंजन में पिछले सभी इंजन के मुकाबले काफी सुपीरियर वेट टू पावर रेशो मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें कई अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये इंजन अब काफी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड इलाके में भी किया जा सकेगा, जो भारत के अर्जुन टैंक के लिए सबसे जरूरी अपग्रेड था। 2025 में इस इंजन के तैयार हो जाने के बाद हमारे पास मौजूद अर्जुन टैंक दुनिया में कुछ सबसे शक्तिशाली टैंक की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि नए इंजन की वजह से हमारे टैंक की मोबिलिटी में काफी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों अर्जुन Mk1A भारत के लिए एक मेन बैटल टैंक के तौर पर विकसित किया गया था, ताकि ये फ्रंट लाइन पर तैयार रह सके। लेकिन इस टैंक में कम शक्तिशाली इंजन के होने की वजह से इंडियन आर्मी ने इसके ज्यादा बड़े ऑर्डर नहीं दिए। दरअसल सितंबर 2021 में 7500 करोड़ की कीमत पर सिर्फ 118 अर्जुन टैंक के ही ऑर्डर दिए गए, जो पिछले वर्जन के मुकाबले 72 अपग्रेड के साथ आएंगे और इनमें 14 मेजर इम्प्रूवमेंट भी किए गए हैं। पर इन सब अपग्रेड और तकनीक के बावजूद अगर एक शक्तिशाली इंजन ना हो तो टैंक किसी भी काम का नहीं रहेगा। भारत ये बात अच्छे से समझ चुका है, इसीलिए हम अब स्वदेशी रूप से 1500 हॉर्स पावर की क्षमता वाले टैंक इंजन का विकास तेजी से कर रहे हैं, जो 2025 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद भारत अर्जुन Mk1A टैंक्स का मास प्रोडक्शन कर सकता है, जिससे हम अपने पास मौजूद 2000 से ज्यादा T-72 टैंक को रिप्लेस कर सके, जो भारत के लिए काफी बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि तब हमारे पास सीमा की रक्षा के लिए एक स्वदेशी टैंक तैनात होगा, वह भी स्वदेशी इंजन के साथ, जो आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सफलता को दर्शाता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये अपडेट भारत की GDP ग्रोथ रेट और भारी टैक्स कलेक्शन को लेकर है, जिसमें अब देश को वह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के अनुसार S&P फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट आंकड़ों में उन्होंने भारत की GDP ग्रोथ रेट की अनुमानित दर को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो भारत के लिए काफी बड़ी बात है। इतना ही नहीं बल्कि RBI की माने तो 2021 से 24 के बीच भारत की औसतम GDP ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा रहने वाली है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करेगा। इस जबरदस्त ग्रोथ रेट और विकास के पीछे काफी सारे कारण है। सबसे पहले तो देश के अंदर लगातार मजबूत होता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और देश का बढ़ता एक्सपोर्ट एक बड़ा कारण है। उसके अलावा हमारे बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों की मजबूत बैलेंस शीट भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का बड़ा कारण है। लेकिन बातें यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि जिस तरह से भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमें बड़े पैमाने पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, इसकी वजह से भी भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है। एक और इंडिकेटर को देखें तो इस साल भारत का टैक्स कलेक्शन भी ऐतिहासिक रहेगा। अभी तक सामने आए लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार ही भारत सरकार को 18.9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स हासिल हुआ, जो पिछली बार के मुकाबले 20% ज्यादा है। और यह एक ऐसे समय पर हुआ जब अक्टूबर दिसंबर के बीच भारत का विकास दर पिछली 6 तिमाहियों के सबसे ऊंचे स्तर पर था। बता दें भारत सरकार ने 2024 के सत्र के लिए 19.45 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। और अभी तक तो पूरा साल भी खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से लगता है कि जब आखिरी आंकड़े सामने आएंगे तो भारत को 20 लाख करोड़ रुपए तक का टैक्स मिल सकता है, जो काफी ऐतिहासिक होगा।
और ये सब कुछ इस बात की तरफ संकेत करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारे मिडिल क्लास के पास पहले से कहीं ज्यादा रोजगार के अवसर मौजूद हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और इकोनॉमी से जुड़ी इन दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।